गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती निकली हुई थी उसमें जो राजकीय महाविद्यालयों में निकली हुई थी उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। वो क्या चेंजेस हैं सब कुछ आपको मैं डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरे साथ अपन तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं आप शुद्धि पत्र है जो कि 10 दिसंबर 2021 यानी कि आज रिलीज हुआ है, जहां पर साफ साफ कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो चयन के लिए जो विज्ञापन संख्या निकली हुई है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के पद भी विज्ञप्ति किए गए हैं, यानी कि असिस्टेंट जो टीचर होंगे यानी कि किसके शिक्षा शास्त्र के उसके लिए भी पद जो है विज्ञप्ति हुए हैं। लेकिन 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 मामला क्या है उसको यहां पर मैं डिटेल में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि शासन के पत्रांक संख्या 7 सितंबर 2021 में सिविल अपील 2850/200 आनंद यादव व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12/10/2020 के अनुपालन में एमए डिग्री को एमए शिक्षा शास्त्र के समकक्ष माना गया है। यानी आप ध्यान दीजिए ये लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि समझने योग्य है, जिसका कि फॉर्म में जो आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का उसके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा एमए डिग्री को एमए शिक्षा शास्त्र के समकक्ष माना गया, यानी कि आपने एमए और एजुकेशन से किया हो और एमएड की डिग्री हो आपके पास तो वो इक्विवेलेंट है। तत्क्रम में एमए डिग्री धारक अभ्यर्थी भी असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के लिए उक्त विज्ञापन में क्रम में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास एमए डिग्री है तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं शिक्षा शास्त्र के। तो ये बहुत ही और बाकी सभी चीज़ें जो एज इट इज रहेंगी, तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। ये बहुत ही अच्छा स्टेप जो है आयोग द्वारा उठा गया। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको पहाड़ नौकरी में मिलती रहती हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।